हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बचपन में हम सभी ने इस तरह की जो कैंडीज़ हैं ज़रूर खाई होंगी और बहुत अमेजिंग टेस्ट होता था हमारे ज़माने में। तो आज हम इसी से कुछ ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये ऑरेंज जो हमारी कैंडीज़ थी, मैंने 10 से 12 ले लिया था, जिसे मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है मिक्सी में पीस कर। बहुत जल्दी पीस जाता है ये, कुछ ही सेकेंड लगते हैं। और ये जो हमारा काला खट्टा जो होता था ये कैंडी, उसका भी मैंने ये पाउडर बना लिया है। इसके अलावा जो तीसरी ड्रिंक हम बनाएंगे वो है मैंगो बाइट। तो इस तरह की मैंने ये 10 मैंगो बाइट ले ली थी, जिसे मैंने मिक्सी में चला लिया है। तो अब हम अपने ये ड्रिंक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है और बहुत आपकी डिमांड भी आएगी इसे बनाने के बाद। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये ग्लास ले रही हूँ, इसमें मैं कुछ आइस डाल दूँगी, ठंडा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आपको ठंडा चाहिए। और यहाँ मैं डालूंगी थोड़ा सा पाउडर शुगर, क्योंकि जब हम इन कैंडीज में पानी डालेंगे तो ये थोड़ा सा कम मीठी लगेंगी, और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैंगो वाला बनाएंगे। तो ये पीसने के बाद थोड़ा सा आपस में स्टिक हो जाते हैं जब, लेकिन ये उसमें जाएंगे तो अपने आप ही ये घुल जाएंगी। तो जितना आपको फ्लेवर चाहिए आप उतना ले लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये चिल्ड पानी। तो इसे हम एक बार अच्छे से स्टर कर देंगे। आप किसी भी चीनी की जगह जो प्लेन वाला आपका ग्लूकोज आता है वो भी डाल सकते हैं। इसे इस तरह से हम स्टर कर देंगे ताकि जो हमारा चीनी और ये जो कैंडी पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये जो हमारा आइस है वो और डाल दूंगी। ये बहुत चिल्ड जो है पीने में स्वाद लगता है। तो ये हमारा एक ड्रिंक रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ड्रिंक की तरफ। तो यहाँ भी मैंने ये ग्लास ले लिया है और यहाँ मैं डालूंगी ग्लूकोज पाउडर, जो कि मेरे पास ये वाला है, वाइट वाला। आप इसकी जगह ऑरेंज वाला भी ले सकते हैं अगर आपके पास है। तो मैं यहाँ 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ और साथ में डालूंगी ये पाउडर जो ऑरेंज कैंडी का है। तो इसे भी मैं बर्फ डालकर मिक्स कर दूंगी। आप इसकी जगह जो है, पानी की जगह आप सोडा वाटर भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में सोडा वाटर है तो आप सोडा वाटर यूज करिए, उससे भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इनका कलर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग कलर आता है इसका। इस फ्लेवर में आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक जो है वो भी डालकर इसका ड्रिंक रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरे टाइप का जो ऑरेंज कैंडी शरबत था वो रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे हमारा खट्टा मीठा वाला फ्लेवर का। तो
तो यहाँ मैंने ये ग्लास ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे आइस और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हमारा भुना हुआ जीरा। इसके साथ साथ मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा काला नमक। वैसे तो इस कैंडी में ये सभी चीजें मिक्स होती हैं, पर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कम फ्लेवर देंगी। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे हमारा ये पाउडर जो कि हमने हमारे काले खट्टे मीठे कैंडी से बनाकर तैयार किया है। और अब मैं इसे भी पानी से डाल के रेडी कर लूंगी। तो ये हमारे तीनों ड्रिंक्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ मैंने ये सब्जा सीड्स लिए हैं जिन्हें हम चिया सीड कहते हैं। ये तुलसी के बीज होते हैं और बहुत ठंडक देते हैं ये। तो मैंने इसे एक चम्मच लिया और 10 मिनट पहले इसे पानी में भिगो दिया था। और अब हम अपने ड्रिंक्स में इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं एक एक चम्मच अभी डाल दे रही हूँ इनमें। थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी मैं इनमें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। आप इस तरह की ड्रिंक्स अपने गेस्ट को भी देंगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये किससे बनाए हुए हैं। और पीने के बाद हर कोई आपसे पूछेगा ये कौन सा ड्रिंक है, कैसे बना है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए, बच्चे तो बहुत ही खुश होकर इसे पीते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा तीन तरह के कैंडी शरबत जिन्हें आप पूरी गर्मी बहुत ही इजीली बनाकर डेली पी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली बार एक और ईजी और क्विक रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।